Now here we will talk about the speciality guidelines for forensic psychologists, because the practice of forensic psychology differs in important ways from more traditional practice area than the speciality guidelines of forensic psychologists. They were developed and they were being published in 1991 by the American Psychology Law Society. The need for developing this manual was very much uh, understandable. Because you know, because the forensic psychologists worked in various domains and different areas and across the culture, across the societies, there could be the different situations where we have to see that how the uniformity could be developed. So, this manual is publish and published, which forensic psychologists mostly in uh, major parts of the world isko follow.

encourage a high level of quality in professional practice and encourage practitioners to respect right of those they serve. so these were the basic uh, guidelines. jinko, johevo, uh, evolve, and or inki, right, ke andar, uh, different tanhake johevo uh, factors, jutai, jo unki, perbat, so in goals, major sub-sei, important, or pehla goal, hai, that is called responsibility. for psychologists, have an obligation to provide services in a manner विच इज़ कंसिस्टेंट विद हाइस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर प्रोफेशन यानी जैसे और साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैसे और लोग अपनी जो सर्विसज़ हैं उनमें एक, एक अच्छा मैार एक अच्छी कारकरदगी दिखाते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तो वो जिस किस्म के प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती कि आप किसी अनस्टेबल या किसी मेंटली इनकेपेबल पर्सन को केबल कोपेबल डिक्लेयर कर दें कि वो एक बच्चे की कस्टडी ले सकता है और आप किसी केपेबल uh, पर्सन को किसी मेंटली स्टेबल पर्सन को किसी जुर्म से बचाने के लिए इनकेपेबल डिक्लेयर कर दें सो so, यहाँ पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मेक अ रीज़नेबल एफर्ट टू इंश्योर दैट देयर सर्विसेज एंड द प्रोडक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर सर्विसेज आर यूज्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर उनके किए हुए डिसीजन उनकी की भी ज्यूवी सलेक्शन उनकी की भी वैल्यूएशन बहुत वैलिड बहुत रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कॉम्पिटेंस फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज इन द एरिया इन दे आर स्पेसलाइज दे हैव नॉलेज दे हैव स्किल्स दे हैव एक्सपीरियंस एंड दे हैव एजुकेशन सो बियॉन्ड गोइंग द एरिया ऑफ देयर कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स दे विल फेस डिफिकल्टी ओवर देयर एंड दे विल नॉट जस्टिफाई विद देयर रोल इज गिवन टू देम दे हैव एन ऑब्लीगेशन टू प्रजेंट टू द कोर्ट द प्रूफ ऑफ़ देयर कंपिटेंस नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बिकॉज जब आप एक इतने सारे इंपॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व हैं जो ज्यूरी सेलेक्शन में है जो जो इवेल्यूशन में है जो किसी को सर्टिफाई कर रहा है कि ये मैंटली अनवेल है वेल well है तो वहाँ पर कोर्ट को अपनी नॉलेज स्किल अपने सारे रेलिवेंट जो जो एक्सपीरियंसिस हैं वो प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है So establishing uh, the competence is one of a very, very important factor in front of the court, in front of the law to the forensic psychologist, who forensic psychologist Nehi Ban sakta. Forensic psychologist recognizes that their own personal values, moral beliefs, or personal or professional relationships with parties to the legal proceedings may interfere with their abilities to practice competently. Because our uh, one-to-one interactions, they matter a lot. एट टाइम्स हमारी अपनी पर्सनल एफिलियशंस डिवेलप हो सकती हैं हमारे अपने पर्सनल रिलेशंस डिवेलप हो सकते हैं जो कि हमारे किसी भी इस तरह के केस को उसकी ओथेंटिसिटी को मिलाइन कर सकते हैं सो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पोटेंशल्स को रिकगनाइज करें और अपनी पर्सनल uh, और अपने मॉरल बिलीव के ऊपर बड़े फर्मली जो है वो uh, अपना स्टैंड ले सकें ओनली देन वी कैन डू दिस काइंड ऑफ सर्विस अंडर सच फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर ऑब्लीगेटेड टू डिक्लाइन पार्टिसिपेशन और टू लिमिट देयर असिस्टेंस अगर एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को किसी केस में ऑलरेडी ये पता होता है कि यहाँ पर उसका कोई इक्वेंटेंस का पर्सन है या उसका कोई फैमिली मेम्बर है या उसकी कोई बरादरी का है या उसकी किसी और तरह से कोई लिंक में है तो देन दे शुड ऑलरेडी हैव दैट ऑब्लीगेशन दैट दे शुड डिकलाइन देअर सर्विसिज रास में एक पार्टी बन सकें देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडामेंटल एंड रिजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड टू सर्टन थिंगस फॉर एग्जाम्पल लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेट गवर्न देयर पार्टिसिपेशन एज एक्सपर्ट इन लीगल प्रोसीडिंग उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन लीगल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की जिनकी बेसिस के ऊपर वो एक लीगल प्रोसीडिंग मेंसपर्ट का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं दैन सिविल रफ द पार्टीज इन लीगल प्रोसीडिंग इन विच दे पार्टिसिपेट सिर्फ ये कि अपना ही नहीं बल्कि जो पार्टीज़ uh, जो हैं जिन जो उस केस में इन्वॉल्व हैं उनके अपने जो सिविल राइट्स हैं वो क्या हैं यानी uh, दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स होते हैं दोनों पार्टीज के कुछ स्टेक्स होते हैं तो उनके बारे में जो लीगल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट तरीके से मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन एबसेंस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सिविल राइट्स द फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन अ गुड मैनर